साथियों चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था यह दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई इस संग्राम के शहीदों को क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है अलग अलग गांव अलग अलग आयु अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि लेकिन एक साथ मिलकर वो सब मां भारती की वीर संतान थे आजादी के आंदोलन में संभवतः ऐसे कम ही वायके होंगे ऐसी कमी घटनाएं होगी जिसमें किसी एक घटना पर उन्नीस स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया अंग्रेजी हुकूमत तो सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने पर तुली हुई थी लेकिन बाबा राघवदास और महामना मालवीय जी के प्रयासों की वजह से करीब करीब डेढ़ सौ लोगों को फांसी से बचा लिया गया था इसलिए आज का दिन विशेष रूप से बाबा राघवदास और महामना मदन मोहन मालवीय जी को भी प्रणाम करने का है उनका स्मरण करने का है साथियों मुझे खुशी है कि इस पूरे अभियान से हमारे छात्र छात्राओं युवाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है हमारे युवा तो जो अध्ययन करेंगे उसे उन्हें इतिहास के कई अनकहे पहलू पता चलेंगे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी आजादी के 75 साल पूरे होने पर युवा लेखकों को स्वतंत्रता सेनानियों पर किताब लिखने के लिए घटनाओं पर किताब लिखने के लिए शोध पत्र लिखने के लिए आमंत्रित किया है चौरी चौरा संग्राम के कितने ही ऐसे वीर सेनानी हैं जिनके जीवन को आप देश के सामने ला सकते हैं चौरी चौरा शताब्दी के इन कार्यक्रमों को लोकल कला संस्कृति और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास किया गया है ये प्रयास भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी मैं इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और यूपी की सरकार की भी सराहना करता हूं।